इस कविता का शीर्षक है रेस्टोरेंट में पहली बार। हाँ, शायद पहली बार ही था, जन्मदिन मेरा ही था, सेलिब्रेशन उनका था। किचन पर चाय बनाती मैं अचानक चौंक गई जब पता चला कि आज मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, वो भी रेस्टोरेंट में। बड़ी जीजी और भाभी ने काम खत्म करके जल्दी तैयार होने की हिदायत कई बार दी। हमने भी गुलब कई सितारा जड़ी साड़ी निकाल ली जो अभी इंदौर आने पर कभी नहीं पहनी थी। एलआईजी से निकलते हुए कार में उस दिन एक नई दुल्हन घूंघट में कई बार मुस्कुराई। खूब चमाचम जगह थी, मेरा भदेशपन ठिठका था कि यहाँ आकर लोग इतने गोरे कैसे हो जाते हैं। कब क्या क्या हुआ उस चकाचौंध में मुझे होश नहीं। होश तब आया जब आखिरी में आइसक्रीम की सबकी कटोरियों को मैं समेटने लगी थी। छुटके देवर जी बेचारे सबसे ज्यादा शर्मिंदा हुए, मुझे आंखें दिखाकर बस अरे कह के रोक दिए। मेरी इस दरिद्र हरकत से संपूर्ण वातावरण इतना दरिद्रमय हो गया कि मेरे हाथ में कांच की लाल चूड़ी को आगे पीछे से थामे सोने के कंगन भी दरिद्र लगने लगे। आसपास की टेबल के कुछ लोग मेरी ओर देखने लगे। मेरा संपूर्ण शहरी ससुराल जो मेरे गूंगेपन और खटेलेपन पर वारी जाती थी आज मेरे देहातीपन पर शर्मिंदा थी। देखने वालों से मैंने मौन होकर कहा, क्या देख रहे हो भद्रजनों, ये कुलीनता है, चाहे तो मेरी दादी से पूछ लो। उन्होंने अपने खुफिया तंत्र से पता करवाया था कि इतनी बड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रसोई खुद बनाती है। स्त्रियों का लड़कियों का धर्म है कि कोई घर में खाए पिए तो जूठे बर्तनों को लपक कर समेट ले। आखिर इतना वर्जित व्यवहार नहीं आता उन्हें तो क्या उनका अचार डाला जाएगा, आखिर कौने हले चलेंगी वो। और ससुराल में आकर हम यूं ही बेटर नहीं बने थे, उनकी कड़ी ट्रेनिंग और मेरी मेहनत का ये सबसे असरदार परिणाम था।